सबसे मज़े का जो व्यू है इस डिज़ाइनर हाउस का, ये ग्लास आपको रेलिंग मिल जाती है, इसी से आप चढ़ें थोड़ा सा ऊपर और ये एलिवेटेड डिस्टेंस के ऊपर ये खूबसूरत व्यू ये चेक करें। यहाँ पे आपको नीचे सारा टीवी लाउंज नज़र आ रहा है, फुल लाइटिंग है यहाँ पे, और ये ब्लैक कलर के थीम में ये डायगोनल शेप शीशे के साथ आपको ये जगह मिल जाती है जिसमें वुडन काम हुआ है सारा टाइल्स का, और आप यहाँ बैठ के पूरा व्यू एंजॉय कर सकते हैं। बाहर से अंदर नज़र नहीं आ रहा लेकिन अंदर से बाहर आप देख सकते हैं। इस दरवाज़े को भी आप खोलें और ये आप यहाँ खड़े होके स्ट्रीट व्यू एंजॉय कर सकते हैं माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम जी, MSJ रियल इस्टेट के साथ मेरा नाम दानियाल है और आज आप लोगों के लिए एक बड़ी यूनिक प्रॉपर्टी लेके आया हूँ। वो ये 15 मरले का अल्ट्रा मॉडर्न अल्ट्रा लग्जरी डिज़ाइनर हाउस है जिसकी एलिवेशन आप देख सकते हैं कि इंतहाई खूबसूरत है। ये घर अवेलेबल है मार्केट में फॉर सेल के लिए ऑन कैश। 15 मरले का डबल स्टोरी ये डिज़ाइनर हाउस है जो कि आपको मिल सकता है मार्केट में अवेलेबल फॉर सेल। नीचे दिए हुए नंबर पर आप रब्ता करके इस घर की कोई भी डिटेल या कोई भी डील बना सकते हैं। इसकी सबसे पहले मैं आपको लोकेशन बताता हूँ, ओवरसी सेक्टर 3 में ये घर अवेलेबल है जिसमें आपको राइट साइड पे ये आगे से क्लोज्ड एंड है, ये गली मिल जाती है जो कि 50 फुट वाइड है। सारे घर यहाँ पे बने हुए हैं, अबैंडन्ड ये नहीं है। ये इसकी फ्रंट एलिवेशन है जो कि दूर से मैं आपको दिखा रहा हूँ जो कि कितनी मुनफरद है, कितनी डिफरेंट है। ये राइट साइड पर आप घर देख सकते हैं, इस तरह के एलिवेशन के जनरली आते थे लेकिन आजकल चूँकि डिज़ाइनर घरों का रिवाज है तो ये घर आपको यहाँ पर मिल सकता है। लेफ्ट साइड पर अगर आप गली देखें तो ये भी 50 फुट वाइड है। ये इसकी फ्रंट एलिवेशन है। सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं इसकी प्राइस से। प्राइस इसकी है 6 करोड़ रुपया। 6 करोड़ डिमांड है इसकी। इसकी कोई भी डील बनाने के लिए आप वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपको इसकी सारी फ्लोर प्लान की डिटेल, इंटीरियर डिज़ाइन की डिटेल और एलिवेशन की डिटेल आपको सारी इसी वीडियो से मिल जाए। सबसे पहले मैं आपको इसकी ये गार्डन एरिया दिखाता हूँ। चूँकि 15 मरले का ये घर है, थोड़ा सा इरेगुलर प्लॉट है तो ये आपको गार्डन एरिया मिल जाता है जो कि तकरीबन 7-8 फुट का इसके विड्थ है और इसमें आप हॉर्टिकल्चर वाइज इसको डेवलप कर सकते हैं। एलिवेशन की जहाँ तक बात है, एलिवेशन एक बहुत ही खूबसूरत अंदाज में बनाई गई है जिसमें वुडन टाइल्स का इस्तेमाल किया गया, यहाँ पर ब्लैक कलर की रेलिंग का इस्तेमाल किया गया मेटल में और ग्लास का इस्तेमाल किया गया बॉर्डर्स पर, और बाकी सारे घर पर वेदर शीट या वेदर पेंट का इस्तेमाल किया गया। लेफ्ट साइड पर अगर आपको मैं वहाँ जा के दिखाऊँ तो ये जो इसका बॉर्डर है, ये जो इसकी रेलिंग है, इस पर भी आपको वुडन टाइल का इस्तेमाल मिल जाता है जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रही है। यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो ये भी वुडन टाइल है और इस घर को 3 टोन डिस्प्ले में बनाया गया है। ब्लैक, थोड़ा सा आपको इसमें लाइट ब्राउन शेड मिल जाता है और आपको डार्क ब्राउन कलर का इस्तेमाल मिल जाता है। करीब से मैं आपको एलिवेशन दिखा रहा हूँ, व्यूअर्स आप इसको थोड़ा सा अब्जॉर्ब कर लें ये कितना खूबसूरत घर बना हुआ है। अभी हम इस घर के अंदर चलते हैं। थोड़ा सा इररेगुलर प्लॉट है, यानी बिल्कुल आप ये कह लें कि 50-90 नहीं है या वो वाली डायमेंशन इसकी नहीं है। सबसे पहले आप इसके गेट का डिज़ाइन देखें। गेट से पहले मैं आपको रैंप दिखा दूं जिस पर टफ टाइल का इस्तेमाल किया गया, उसके बाद ये गेट देखें, ये गेट किस तरह से किस अंदाज में खुलता है, ये काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। मैं अंदर जाके आपको दिखाता हूँ। वुडन और मेटल में ये गेट बनाया गया है, ये देख सकते हैं आप। ये गेट ऐसे खुलता है, स्लाइडिंग भी नहीं है, रोटेटिंग भी नहीं है, बड़ा मज़े का इसका स्टाइल है। डिज़ाइनर घर है चूँकि, तो आपको एक खूबसूरत अंदाज में एंट्री मिल जाती है इसकी। फिर घर के अंदर भी आपको ये कॉफ़ी प्लेस मिल जाती है, कोर्टयार्ड मिल जाता है जिसमें नेचुरल ग्रास का इस्तेमाल किया गया है, और ये सारा एरिया आपको मिल जाता है यहाँ पर बैठने के लिए, और पानी की टंकी भी आपको यहाँ पर मिल जाती है। चूँकि ये घर बैरिया टाउन में है तो यहाँ पर आपको पानी, बिजली, गैस का कोई इशू नहीं है, इंटरनेट का सब कुछ यहाँ पर अवेलेबल है। फिर गैरेज की बात करें तो गैरेज में आपको यहाँ पे तकरीबन 2 बड़ी सेडान्स, 1 बड़ी प्राडो या वो सारा कुछ यहाँ पे आप खड़ा कर सकते हैं, छोटी गाड़ी भी एक आ सकती है, और नीचे आपको टाइल का इस्तेमाल मिल जाता है। अभी मैं इस घर के अंदर चलता हूँ और अंदर जाके आपको मैं दिखाता हूँ कि इस घर में क्या क्या अवेलेबल है और क्या क्या मौजूद है, क्योंकि ये बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन में अल्ट्रा मॉडर्न ये घर बना हुआ है। सबसे पहले आप एंटर होते हैं तो आपको नीचे ग्रेनाइट का इस्तेमाल मिल जाता है और ये बड़ा दरवाज़ा आपको मिल जाता है जिसकी हाइट तकरीबन 12-13 फुट है और कंप्लीट एश वुड में ये बड़ा भारी दरवाज़ा बनाया गया। ये आप करीब से मैं आपको इसका डिज़ाइनिंग दिखाता हूँ। अभी घर थोड़ा फिनिशिंग फेज़ में है लेकिन ये घर 1-2 दिन में कंप्लीट हो जाएगा।
अभी आप जैसे ही इस घर के अंदर ग्रैंड एंट्री लेते हैं तो आपको ये हाई सीलिंग मिल जाती है, ये देखें, वो ऊपर तक एक्सटेंडेड, और ऊपर आपको एक ऐसे ओपनिंग मिल जाती है जहां से लाइट और वेंटिलेशन आती है। लेफ्ट साइड पे अगर आप लोग देखते हैं तो आपको ये रेलिंग मिल जाती है जिससे आप ऊपर वाले फ्लोर को अप्रोच कर सकते हैं, और ऊपर वाले फ्लोर से भी आपको सारा व्यू नीचे का मिलता है क्योंकि हाई सीलिंग है, डबल सीलिंग है। जैसे ही आप इस घर के नीचे अंदर एंटर होते हैं तो नीचे आपको ब्लैक कलर में स्पेनिश टाइल मिल जाती है। राइट साइड पे ही आपको ड्राइंग रूम का एरिया मिल जाता है जो कि काफ़ी मैसिव है, काफ़ी बड़ा है। उसका जो दरवाज़ा है उसकी डिज़ाइनिंग भी आप लोग देख सकते हैं। ये इसका बड़ा मैसिव ड्राइंग रूम है, बहुत ही खूबसूरत, और इसमें आप देख सकते हैं कि नीचे कंप्लीट मेपल वुड का इस्तेमाल किया गया। राइट साइड पे आपको दीवार में ये स्टाइलिंग मिल जाती है लाइट्स के साथ 3D डिज़ाइन में, और यहाँ पे आपको ये खिड़की मिल जाती है जिससे आपको गैरेज का व्यू मिलता है। बाहर से अंदर आप नहीं देख सकते क्योंकि टेंटेड है, लेकिन अंदर से बाहर आप देख सकते हैं। फिर आपको मैं इसकी मीडिया वॉल दिखाता हूँ। यहाँ पे आप लोग टीवी प्लेस कर सकते हैं, सीलिंग का काम आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत वार्म लाइट में किया गया, और ये इसकी कैबिनेट्स हैं जहाँ पे आप मुख्तलिफ चीज़ें प्लेस कर सकते हैं। फिर यहाँ पे भी एक दरवाज़ा लगाया गया है बड़ा टेम्पर्ड ग्लास के साथ, जिससे आप फिर टीवी लाउंज को अप्रोच करते हैं, जिसमें एक शैंडेलियर आपको मिल जाता है जिसमें ऊपर ग्लास का इस्तेमाल है, और यहाँ सामने आपको एक मीडिया वॉल मिल जाती है जिसमें आप आराम से टीवी प्लेस करके यहाँ पे सोफ़ाज लगा के, और काफ़ी बड़े साइज़ का ये टीवी लाउंज है और आप टीवी मुलाहिजा कर सकते हैं। अब मैं आपको इसका तरीक़ाकार समझाता हूँ घर किस तरह से बना हुआ है। ये दो किचन्स हैं, ये सामने जो दरवाज़ा है ये गैलरी में जाता है बैक साइड पे। दो कमरे जो नीचे हैं वो ये हैं, तीन कमरे ऊपर हैं, और ये पाउडर वॉशरूम है। सबसे पहले पाउडर वॉशरूम चलते हैं, उसके साथ आपको ये थोड़ा सा रिक्रिएशनल एरिया मिलता है जिसमें आप यूज़ कर सकते हैं, प्लांटेशन वगैरह इसको खूबसूरत बना सकते हैं। दरवाज़ों का सारों का डिज़ाइन यही है, ऐश वुड में विद ब्लैक लाइंस। और जैसे ही आप ये पाउडर वॉशरूम में एंटर होते हैं, इसमें फ्लक्स की सारी और रोका की आपको सैनिटरी मिल जाती है, और नीचे से लेके ऊपर तक टाइल वर्क हुआ हुआ है, और आप ऊपर देख सकते हैं कितनी खूबसूरत एग्जॉस्ट, और ये लग ही नहीं रहा कि ये पाउडर वॉशरूम है, कितनी खूबसूरत लाइटिंग जो कि इन्फ्यूज्ड है सीलिंग में वो यूज़ की गई है। अभी मैं आपको इसके किचन में लेके चलता हूँ क्योंकि किचन जो है वो मनपसंद चीज़ होती है लेडीज़ की। सामने वाला जो दरवाज़ा है, पहले मैं वो खोल के आपको दिखाता हूँ इस गैलरी में, वो चूँकि बाहर जाता है इसकी बैक साइड वाली जगह पर, जिसमें आपको ये गैलरी मिल जाती है जिसमें आप लॉन्ड्री सिस्टम यूज़ कर सकते हैं, और लेफ़्ट साइड पे आपको एक स्पाइरल स्टेयरकेस मिल जाता है जिसकी वजह से आपके सर्वेंट्स जो हैं वो ऊपर जा सकते हैं। अभी हम फिर वापस एंटर होते हैं घर में, और लेफ़्ट साइड पे आपको मेन किचन मिल जाता है। किचन जो है उसकी स्पेस थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज्ड है, लेकिन इलॉन्गेटेड है, लंबाई में है, और इसमें भी ब्लैक कलर की कैबिनेट्स का इस्तेमाल किया गया। अभी कुछ यहाँ पर सैनिटरी मिसिंग है, और कुछ यूटिलिटीज़ मिसिंग है अभी, जो कि आहिस्ता आहिस्ता लग जाएंगी। हुड यहाँ पर लगा हुआ है, नीचे अभी चूल्हा शूल्हा लगना रह गया है, और कैबिनेट्स का यहाँ पे आप देख सकते हैं वर्क। यहाँ पे अभी फौसे लगना है, यहाँ पे ओवन्स जो है वो प्लेस कर दिए गए हैं, और फ्रिज भी रखना अभी बाकी है। इसके साथ ही बिल्कुल अभी डर्टी किचन है, जो मैंने आपको मुख्तलिफ घरों में दिखाया है कि वो इसलिए बनता है ताकि इसका जो अरोमा है, जो भी चीज़ें यहाँ बन रही हैं वो बाहर ना जाए। और डर्टी किचन बहुत ही बड़ी नेसेसिटी होती है इतने बड़े घर में जो कि 15 मरले के ऊपर मुश्तमिल है। यहाँ से आप व्यू देखें तो कितना खूबसूरत आपको मिलता है। ये जब बन जाएगा तो ये एक मास्टरपीस होगा। अभी मैं आपको नीचे वाले दो कमरे दिखाता हूँ इसके। पहले कमरे में एंटर होते हैं, इसका साइज़ बहुत अच्छा है, एम्पल है नीचे वाले कमरे के हिसाब से, और इसकी आप सीलिंग से लेके वॉल डिज़ाइन देखें। कितना खूबसूरत वॉल डिज़ाइन है, और सबसे मज़े की चीज़ इस घर में नीचे आपको जो ग्लॉसी स्पेनिश टाइल वो मिल जाती है, और ये कैबिनेट का डिज़ाइन देखें, ये सी थ्रू है, यानी अगर आप ये कैबिनेट खोलते हैं तो आपको अंदर चीज़ें मिल जाती हैं। इसमें लाइट्स भी अभी लगेंगी, और ये ग्लासी डिज़ाइन में, ग्लॉसी डिज़ाइन में आपको ग्लास के अंदर जो कि टेम्पर्ड ग्लास है, आपको ये कैबिनेट मिल जाती है। लेफ़्ट साइड पे फिर इसी का वॉशरूम है जो कि ये है। यहाँ पे भी फ्लक्स की सारी यूज़ की गई है सैनिटरी, और वॉल हंग कमोड यूज़ किया गया बड़े अच्छे डिज़ाइन में। और यहाँ पे आपको शॉवर केस भी मिल जाता है।
दूसरे कमरे में अगर मैं एंटर हूँ तो वो इस तरह से बना हुआ है, और ये इसकी वॉल डिज़ाइन है जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। यहाँ पे आपको व्यू मिलता है बाहर का, जिसमें आप देख सकते हैं कि सारा गार्डन एरिया आपको नज़र आता है। इस कमरे का साइज़ भी अच्छा खासा है, और सबसे मज़े की चीज़ इस कमरे में ये चीज़ है, ये देखें, थोड़ी सी स्पेस छोड़ी गई है आपके कमरे की दीवार में और दूसरे कमरे की दीवार में, और उसको डेकोरेट किया गया है ऐसे, और कितना प्यारा ये लग रहा है। और इसको वेंटिलेशन के लिए भी यूज़ किया जाता है क्योंकि ऊपर से भी ओपन है। इसको मैं ज़रा पीछे से आपको व्यू दिखाता हूँ। माशाल्लाह कितना खूबसूरत ये कमरे का एक पूरा सीन लग रहा है, जिसमें पूरी विंडो है ब्लैक पैनल्स में, डबल ग्लेज विंडो का यूज़ किया गया। और राइट साइड पे फिर आपको उसी तरह ये कैबिनेट्स मिल जाती हैं जो मैंने आपको दूसरे कमरे में दिखाई, और लेफ्ट साइड पे आपको ये वॉशरूम मिल जाता है। वॉशरूम में भी बड़ी ज़बरदस्त स्टाइलिंग की गई है, ऊपर तक कोई भी जगह छोड़ी नहीं गई, और नीचे तक आपको सारी सैनिटरी जो कि फ्लक्स की है, जो कि काफ़ी महंगा मटेरियल है, वो यूज़ किया गया। अभी मैं आपको व्यूअर्स ऊपर लेके चलता हूँ और ऊपर जाके आपको दिखाता हूँ कि इस घर में क्या क्या खासियत है। सबसे पहले आप इसका स्टेयरकेस देख लें, जिसमें ग्लास का यूज़ किया गया और नीचे ग्रेनाइट स्टेप्स हैं। यहाँ से अगर मैं ऊपर चलूँ, ये जो हाई सीलिंग मैंने आपको नीचे से दिखाई थी, आपको ऊपर चलते चलते ये नज़र आएगी। ये कितना खूबसूरत शैंडेलियर यहाँ पे है, और ऊपर आप आते हैं तो आपको एक मैग्निफिसेंट व्यू मिलता है आपके कोर्ट यार्ड का, या जहाँ पे आपकी बारबेक्यू ग्रिल है वो ये सामने है। ये आपका टीवी लाउंज एरिया है। पहले मैं आपको इसका एक वाइड व्यू दिखा देता हूँ। ये देखें ऊपर सीलिंग कितनी खूबसूरत है वुडन में, नीचे स्पेनिश टाइल, लेफ्ट साइड पे हवा और ग्रीनरी और सारी वेंटिलेशन, और कितनी खूबसूरत वॉल डिज़ाइन में आपको ये बैक एरिया मिल जाता है। इसमें मैं एंटर होता हूँ, ये आप एरिया देखें, इसे कितना अच्छा डेकोरेट किया गया है। लेफ्ट साइड पे पत्थर लगा हुआ है, और ये ग्रीनरी है जिसका व्यू आपको अंदर मिलता है। ऊपर आपको लाइट शेड के लिए वुडन पैनल्स मिल जाते हैं, बारबेक्यू ग्रिल आपको मिल जाती है, एक वुडन बेंच मिल जाता है, और साथ आपको स्टोर रूम मिल जाता है, या इसको आप कोई भी रिक्रिएशनल एरिया के लिए यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ से ही स्टेयर केस ऊपर सर्वेंट को भी जा रहा है, बहुत ही खूबसूरत। और ये आप वॉल का डिज़ाइन देखें कितना प्यारा लग रहा है। यहाँ से आप सामने देखते हैं तो आपको ये व्यू मिलता है, जिसमें स्ट्रीट व्यू भी आपको मिल जाता है। सबसे मज़े का जो व्यू है इस डिज़ाइनर हाउस का, ये ग्लास आपको रेलिंग मिल जाती है, इसी से आप चढ़ें थोड़ा सा ऊपर, और ये एलिवेटेड डिस्टेंस के ऊपर ये खूबसूरत व्यू ये चेक करें। यहाँ पे आपको नीचे सारा टीवी लाउंज नज़र आ रहा है, फुल लाइटिंग है यहाँ पे, और ये ब्लैक कलर के थीम में ये डायगोनल शेप शीशे के साथ आपको ये जगह मिल जाती है, जिसमें वुडन काम हुआ है सारा टाइल्स का, और आप यहाँ बैठ के पूरा व्यू एंजॉय कर सकते हैं। बाहर से अंदर नज़र नहीं आ रहा, लेकिन अंदर से बाहर आप देख सकते हैं। इस दरवाज़े को भी आप खोलें, और ये आप यहाँ खड़े होके स्ट्रीट व्यू एंजॉय कर सकते हैं। माशाल्लाह अभी मैं आपको ऊपर वाला किचन दिखाता हूँ, जो कि बिल्कुल इस कोर्टयार्ड के साथ ही है। ये छोटा सा डर्टी किचन इन्होंने यहाँ पे बनाया हुआ है, मीटर यहाँ पे प्लेस्ड है। अब ये बड़े दो कमरे हैं, दो ये हैं, और एक कमरा आपको वो मिल जाता है, यानी टोटल के 5 कमरों का ये 15 मरले का डबल स्टोरी घर है। इस कमरे में अगर आप एंटर होते हैं, सामने आपको मीडिया वॉल मिल जाती है, जो कि अच्छे डिज़ाइन में ब्लैक कलर में बनाई गई है, फैब्रिकेटेड, और सामने आपको वही कैबिनेट्स, और लेफ्ट साइड पे अगर आप लोग देखते हैं तो आपको इसका वॉशरूम मिल जाता है अगेन, जिसमें सेम जो मैंने आपको नीचे दिखाया उसी तरह से बना हुआ है। राइट साइड वाला कमरा अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे बरगंडी कलर का और वार्म लाइटिंग का इस्तेमाल है, जो कि पूरा ऐसे सीलिंग पे घूम के और इधर तक आता है, और सामने आपको कैबिनेट्स मिल जाते हैं। कैबिनेट्स इस घर में
सबसे खूबसूरत चीज़ है जो कि आप कमरे में देख सकते हैं। यहाँ पे अगेन नीचे वाले कमरे की तरह एक पूरी डिज़ाइनिंग दी गई है, यानी नीचे वाले कमरे में मैंने आपको दिखाया था कि ऊपर से वेंटिलेशन आती है तो वो यहाँ है, यानी आप ऊपर से कुछ फेंकेंगे तो नीचे वाले कमरे वालों को पता चल जाएगा, और ऊपर यहाँ से लाइट और सारा कुछ आपको मिल रहा है। और यहाँ पे ये डिज़ाइनिंग हुई हुई है पूरी वॉल में, जिसको कवर किया गया है ग्लास से। राइट साइड पे अगर आप लोग देखें तो आपको ये प्यारा वॉशरूम बर्गंडी कलर में, जिसको एलिवेटेड डिस्टेंस पे बनाया गया, यहाँ पे बाथ टब अभी प्लेस होना है, और यहाँ पे ऊपर आप देख सकते हैं कि रेन शावर भी लगा हुआ है। और इसके डबल सिंक्स हैं, और ये डबल वैनिटी मिरर्स हैं, और यहाँ पे आपको कमोड मिल जाता है। और इसके जो एग्जॉस्ट है, ये पहले थोड़ी रेयर चीज़ थी, लेकिन आप हर घर में यही इसी तरह के आ रहे हैं। और सीलिंग का काम आप लोग देख सकते हैं, माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत घर है। अब इस सीलिंग में आप ये खूबसूरत चीज़ देखें, लाइटिंग किस तरह से प्लेस की गई है तो ट्यूब लाइट्स, लेकिन जिस बंदे का दिमाग है उसने कितने अच्छे तरीके से यहाँ पे यूज़ किया हुआ है। अभी आपको मैं इस मास्टर बेडरूम में ले जाता हूँ, जो कि सबसे बड़ा बेडरूम है। नीचे आपको स्पेनिश स्टाइल ग्लॉसी कलर में मिल जाती है, यहाँ पर आपको मीडिया वॉल मिल जाती है 3 खिड़कियों के साथ। यहाँ पे आपको ये वॉल डिज़ाइन मिल जाता है, जिसमें बड़ा सा वैनिटी मिरर लगा हुआ है, और साथ आपको बाहर का व्यू मिलता है इधर। और ये मार्बल का आपको एक वॉल डिज़ाइन मिल जाता है, कितना खूबसूरत लग रहा है ये। राइट साइड पे आपको उसी तरह से कैबिनेट्स मिल जाती हैं, जो कि काफ़ी बड़ी हैं, देखें आप इसका साइज़ देखें। राइट साइड पे अगर आप लोग देखें तो आपको इसमें वॉशरूम भी डबल सिंक के साथ मिल जाता है, बड़े वैनिटी मिरर्स के साथ जो कि डबल है, यानी एक फैमिली बेडरूम है ये। और यहाँ पे आपको शॉवर केस जो है वो अंदर वुडन डिज़ाइन में स्टैम्पर्ड ग्लास के बाद नज़र आ जाता है, जिसमें अभी प्लेस होनी है चीज़ें। तो व्यूअर्स, ये इस घर की डिटेल थी। अभी मैं आपको छत पर जाके दिखाता हूँ इसमें सर्वेंट क्वार्टर किस तरह का है। बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन में ये घर बना हुआ है। ये व्यूअर्स, आपको सनरूफ मिल जाता है इस घर में, ये आपको इसकी एलिवेशन का डिज़ाइन मिल जाता है, ये ऊपर सर्वेंट क्वार्टर है। गर्मी काफ़ी है तो मैं यहाँ पे ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करूँगा। तो ऐसी मज़ीद वीडियोस देखने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।